नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की देश भर की कुछ खास खबरों से। गोंडा जिले के विकास खंड बबनजोत के ग्राम सभा टिकोरा के ग्राम प्रधान रियाज अहमद से गांव के विकास पर हुई चर्चा। गांव के चौमुखी विकास करना मेरी प्राथमिकता, मतदाताओं के सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर हमेशा चलने का रहेगा हमारा प्रयास। उत्तर प्रदेश के गोंडा से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? रियाज अहमद। कौन सा ग्राम सभा रे? टिकोरा। अच्छा, तो इस ग्राम सभा क्या क्या है? हम ग्राम प्रधान। अच्छा, अभी जल्दी निर्वाचित हुए। हाँ। अच्छा बताइए कि जो आप प्रधानी जीते हैं उसमें किसका श्रेय है? अब जितना भी जनता जिताई है भाई, हमारे गांव वाले सपोर्ट देके जिताए। जनता के लिए आप क्या कहेंगे? मतदाता है, आपको वोट दिए हैं, इस पद पर बिठाए हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब उनके लिए रोड है, नाली है, जो भी है बनवाएंगे, जो भी काम करेंगे। अच्छा, वो तो आपकी जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है, लेकिन जनता के साथ आप क्या करेंगे? मतलब जनता के साथ सुख दुख में? हम सुख दुख में काम आएंगे भाई, उनके जो भी काम होगा उसके लिए तैयार है। जैसा कि देखा गया है कि सड़क की जो नालियां हैं वो भी गड़बड़ है, सड़क भी गड़बड़ है गांव का। हाँ, उसके लिए लाएंगे हम, बजट लाएंगे, उसको बनवाएंगे। अच्छा, वैक्सीनेशन के बारे में क्या कहेंगे? अब वैक्सीनेशन कराएंगे गांव में, सबसे कहा है वैक्सीनेशन कराना। अभी कैंप लगा कि नहीं लगा? अभी नहीं लगा, कैंप लगवाएंगे। अच्छा, बात हुआ है, उसको लगवाना जरूरी है, अच्छी बात है, करना चाहिए भाई, सबको लगवाना चाहिए। कौन सा विकास खंड है? विकास खंड बबनजोत। जिला कौन सा है? गोंडा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।